Well, there is a conspiracy twist to this entire dope controversy that surrounds Narsingh Yadav, as his coach Jagmal Singh, speaking exclusively to Times Now, has alleged conspiracy, saying that his charge has been framed. Narsingh Yadav's coach of 16 years, Mr. Jagmal Singh, sir, aaj Narsingh dope test mein fail ho gaye hain. Kya wajah hai? Dekho ji, Narsingh mere paas jo 10-12 saal ka aa gaya tha, 10 saal ka, jab bahut chota tha, mere under training kiya hai. और वो बच्चा ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता. उसका जो करियर है मेरे सामने स्टार्ट हुआ है और वो बच्चा बिल्कुल अपनी जो नेचुरल डाइट है उस पर ही उसने पहलवानी करके और इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं. और आज तक कितने डोप उसने अटेंड किए हैं, कितने बार यूरिन दिया है, कितने बार किसी प्रकार की कभी भी एक परसेंट भी कोई एक चीज़ भी आई हो तो आज ही क्यों ही आई है, ये सोचने का मुद्दा है. आज ही क्यों मतलब ये नर्सिंग को डोप में मतलब फंसाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है. और नर्सिंग ये काम जिंदगी में नहीं कर सकता, ना कभी करेगा जब तक वो पहलवानी करेगा. ये फंसाया गया है उसको, उसकी पहलवानी ख़त्म करनी है. ये कि कौन फंसा रहा है ये तो बता नहीं सकते, लेकिन किसने फंसाया है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है. वो बच्चा गरीब परिवार से है, वही काम कर नहीं सकता. वो बड़ी गरीबी से उठ के आया है ऊपर और उसने पहलवानी बड़ी ईमानदारी से की है, वो ये काम नहीं कर सकता. ये पूरा देश जानता है उसके बारे में, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके अंगेंस्ट बहुत लोग हो रहे हैं यहाँ. उसको सरेआम सर, लेकिन अब आपको लगता है कि नर्सिंग का जो रियो जाने का सपना था वो खतरे में है? खतरे में तो है, क्योंकि अगर इतनी पॉलिटिक्स रहेगी तो खतरे में है. लेकिन उसको देश को न्याय मिलना चाहिए, उसको उसका भी टेस्ट होना चाहिए. जो मेडिसिन आई है, इतनी मेडिसिन ज़िंदगी में नहीं खाई, कैसे उसके डोप में आई है. उसका फ्रेश अभी जो है ना, अभी फ्रेश उसका डोप लेना चाहिए. अभी अगर फिर भी आता फिर निकाल दो उसको, मुझे नहीं लगता. क्योंकि ये 25 तारीख का लिया, किसी ने जैसे उसको दिया है उसमें, और उसी टाइम वो 25 तारीख को आए, फिर 5 तारीख को टेस्ट करने आए. ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है. पहले 25 जून को आए, फिर 5 जुलाई को टेस्ट करने और यूरिन लेने आए. अगर नर्सिंग में कोई किसी प्रकार का होता कि उसने डोप लिया है तो वो छुट्टी ले लेता, कोई बहाना ले लेता, चला जाता. ऐसा भी तो हो सकता है. वो क्यों बोलता, लो जी मेरा डोप लो, मेरा यूरिन लो, आई एम रेडी. वो क्यों इतना बड़ा पहलवान, अगर उसने खाया होता तो क्यों ऐसा करता. वो सरेआम फंसाया गया है, ये बहुत बड़ी चाल है.